हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 11वीं के लिए जो सेकंड लेसन था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर ऑल टुगेदर, कि हम डर मरने से नहीं डरते यदि हम सारे एक साथ हैं। तो वो लेसन पढ़ रहे थे, उसमें कुछ हमने आधे से ज़्यादा लेसन कर लिया था, तो हमने यहाँ तक वो लेसन कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अब तक क्या है कि वो लड़की का सिर सूज चुका होता है, चोटें आती है, समुंदर में तूफान से मुकाबला करते हैं वो जहाज़ से। तो लड़की पहले बताती नहीं है चोटों का, क्यों कहती है मेरे पिता हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि मैं उनको तकलीफ़ दूँ कि मेरे इतनी चोटें आ चुकी है तो उनको दुख होगा उस चीज़ का। तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनको कुछ नहीं बताती, कहती है मैं पूरी ठीक हूँ। तो अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट। बाय मॉर्निंग ऑन 3 जनवरी, 3 जनवरी की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, कि हमारे जो पंप जितने भी जो में हमारे पास बचे वो काम कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी हद तक पानी कंट्रोल कर दिया था, जल कंट्रोल कर दिया था उसके जहाज़ के अंदर से, रेस्ट इन रोटेशन कि वो अभी घूम रहे थे। बट वी स्टिल हैड टू ट्रीमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मैन रिप फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। और अब देखिए, हमने देखा कि फिर भी जो नीचे से मतलब लीकेज हो रहा था जहाज में, उसके अंदर से काफ़ी पानी आ रहा था। तो हमारा मकसद यही था, हमने कैसे भी उसको रोकना था। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। हमारे पास सिर्फ कुछ मतलब तिरपाल वगैरह थे, कुछ कपड़े थे, उन्हीं के द्वारा उसको रोकना था, और हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, ना कोई स्टारबोर्ड था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, कि जब से वेव ने लहर ने हमें मुकाबला लहर से हमारा हुआ, लहर हमसे भिड़ी, हम तब से 15 घंटों से जिंदा थे। बट वेव वाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो हमारा नाव थी, वेव वाकर था जिसका नाम, मुझे नहीं लगता कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक लेके जाती। आई चेक आउट अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देर वर 2 small islands ऑफ ए फ्यू 100 kilometers ऑन द ईस्ट टू द ईस्ट। मैंने चेक किया, कैलकुलेट किया, गणना की, तो पता चला ईस्ट साइड में कुछ 100 किलोमीटर दूर 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, टापू हैं, द्वीप हैं छोटे छोटे, कि हम वहाँ पे जा सकते हैं। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम, और उनमें से कोई इल एम्स्टर्डम था, हमने सोचा वहाँ जाते हैं। वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और वो फ्रेंच जो फ्रांस के वैज्ञानिकों का बेस था वो था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स टू द इन द वेस्ट ओशियन, वेस्ट होता विशाल बहुत बड़ा, कि इतने बड़े समुंदर में हमारा यही था कोशिश कि वो छोटी सी जगह पर चले जाए तो हम बच सकते हैं। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, कि हमने सोचा जब तक ये समुंदर में शांत नहीं होएगा, तूफान नहीं रुकेंगे, तो हमारे चांसेज बहुत ही कम है वहाँ पहुँचने के। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा इंजन था उसने आउट ऑफ एक्शन कर दिया, बड़ी सारी लहर आई उसको ख़राब कर दिया उस लहर ने। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, कि 4 जनवरी को 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और हमारी नाव के अंदर बिल्कुल ही कुछ सेंटीमीटर पानी रह चुका था, सारा हम निकाल चुके थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और जिस साइड से पानी आ रहा था उसके विपरीत दिशा में हमारी यही कोशिश थी कि हम अपनी उतनी गति बनाएं ताकि पानी हमें पछाड़ ना पाए और नाव के अंदर ना आए, हमें उतनी गति से नाव चलानी थी। We could not set any sail on the main mast, और जो मुख्य मस्तूल था हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. और इसी कारण हमने कोशिश ये की कि कैसे भी करके उस पानी को रोका जाए, और जो 2 हमें आइलैंड दिख रहे थे किसी भी प्रकार के उससे उसकी तरफ headed मतलब उसकी तरफ से तरफ बढ़ा जाए। Mary found some corned beef and cracker biscuits. अब corned beef, corn होता है मक्का, तो beef होता है मांस, उनको कुछ मक्का और मांस मिक्स हुआ, और कुछ cracker biscuit मतलब कुरकुरे बिस्कुट मिल गए उनको कुछ। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग हमने हमारा 2 दिनों के बाद पहला भोजन किया। बट अवर स्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी वो जो यात्रा थी या फिर हमारा जो कहानी थी वो बिल्कुल छोटी सी थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन, कि हमारी जो हमें जो आराम मिला थोड़े समय के लिए मिला, रेस्ट मिला।
ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे अब 4 बजे बिल्कुल हमारे पीछे बहुत बड़े बड़े काले काले बादल दिखने लगे हमें। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और कुछ ही समय में कुछ एक ही घंटे के अंदर अंदर वो 40 knots की स्पीड होगी उसकी विंड की, बहुत तेज स्पीड होगी हवा की, और जो समुंदर है वो और भी ऊंचा उठने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरिएट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात्रि मौसम भी खराब ही रहा। एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह डॉन हुई, मतलब डॉन क्या होता है, सूर्योदय होना, जब सूर्योदय हुआ तो हमारी हालत फिर से खराब थी। डॉन होता सूर्योदय होना। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड डैड आर वी गोइंग टू डाई, कि जब मैं बच्चों के पास गया देखने का कि आराम से बैठे हैं या क्या है, तो जॉन ने पूछा कि क्या पापा जी हम मर रहे हैं अब। आई ट्राई टू एश्योर द विश्वास दिलाना हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह काम हम कर सकते हैं, टापू पे हम पहुंच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, वो कहते लेकिन डैडी कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सारे एक साथ हों। यू मम्मी शू एंड आई, कि आप माता जी शू और मैं, यदि हम सारे एक साथ हों तो हम मरने से नहीं डरेंगे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड होता है जवाब देना, प्रत्युत्तर देना, मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, कि जब बच्चों ने ये बात बोली कि हम अगर एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरेंगे, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे लेकिन उन्होंने मेरे को एक ऐसा हौसला दिया कि मैं कैबिन से बाहर आ गया सीधा समुंदर का मुकाबला करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट होल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, मैंने क्या सोचा कि जो मेरे पास पोर्ट होल है कि मतलब जो पाल है, पाल को मैं क्या करूँगा, इसके सामने लगा दूंगा, अब जल रोकने वाला जो एक सिस्टम होता है उनके पास, पानी रोकने वाला, लहर के सामने लगा देता हूँ उसको पूरा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप, मेरे पास एक नायलॉन की मोटी रस्सी थी, एंड टू 20 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, पैराफिन के 2 प्लास्टिक गैलन थे, बैरल थे, वो सामने 22 लीटर के कर दिए मैंने। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और उस शाम को मैं और मैरी मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूट चुकी प्लैंक्स थी, जो टूट चुकी जगह थी नाव की, उसके अंदर और भी ज़्यादा पानी आ रहा था, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम सभी ने मतलब हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा जो अंत है वो क्या है, बहुत ही नज़दीक है। बट वेव वॉकर रॉड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड इजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, तो मैं जब जैसे ही मतलब 6 जनवरी हुई तो सुबह हुई तो मैंने क्या कोशिश किया कि इसी प्रकार मतलब हवा चली और हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैं चार्ट रूम में वापस गया और मैंने विंड स्पीड हवा की स्पीड पर काम किया, चेक किया स्पीड कितनी है। चेंज ऑफ कॉस ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन, फिर मैंने क्या किया, ड्रिफ्ट है हमारे आगे बढ़ने की जो स्पीड है या फिर हमारे जो पोजिशन है उसको कैलकुलेट किया हम कहाँ पर हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आईलैंड, मुझे पता चला कि हम 65 किलोमीटर चौड़े एक आईलैंड को खोजने के लिए समुंदर के 150,000 किलोमीटर अंदर तक आ चुके हैं और हम बिल्कुल सेंटर में थे समुंदर के। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जैसे मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली ज्वाइंट मी, शू दर्द से धीरे धीरे चल रही थी और उसने मेरे को ज्वाइन किया, मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, मतलब उसकी लेफ्ट साइड थी जो उसके सिर की बहुत सूज चुकी थी, एंड हर ब्लैकेंड आई नैरो टू स्लिट्स, और जो उसकी ब्लैकेंड आई, ब्लैकेंड का अर्थ क्या होता है, काली हो चुकी आंख थी जो, वो क्या स्लिट के रूप में स्लिट होती है एक दरार, मतलब स्लिट के रूप में, दरार के रूप में रह के इतनी आंख बंद हो चुकी थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने एक कार्ड दिया मेरे को जो उसने खुद ने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरी कैचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने पहले पेज पर हमारे शब्द चित्र बनाए, कुछ शब्द लिखे, कुछ चित्र बनाए मेरे और मैरी के। देयर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसने पर मजबूर किया। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, कि जैसे ही मैंने देखा मैं बहुत हंसा उसको देख के।
इनसाइड वाज ए मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था, ओ होप आई लव यू बॉथ की, ओ हाउ कि मैं देखो कितना आपसे प्रेम करती हूँ आप दोनों से, अपने मम्मी पापा को बोल रही है वो लड़की। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। और ये कार्ड उसी के लिए कि आपको धन्यवाद करती हूँ मैं और आशा करती हूँ कि हम कुछ ना कुछ सर्वश्रेष्ठ करेंगे, हम कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। आई चेक एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया, फिर से चेक किया मेरी कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट अवर मैन कंपास, हमारा जो दिशा सूचक था हम उसको खो चुके थे, वो खराब हो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और जो एक अतिरिक्त दिशा सूचक था मैं उसको यूज़ कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। लेकिन देखो मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है, जो चुंबक के अनुसार सही उसको सेट किया जाता है, तो वो जो दिशा सूचक के अंदर चल रहा था वो तो सही सेट किया हुआ नहीं था, अंदाजा बता रहा था सिर्फ, और जो सही सेट किया हुआ था सही चल रहा था वो खराब हो चुका था, जिसकी लोकेशन सही थी बिल्कुल। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through the part of the Indian Ocean। और जो westerly currents थे west की side से धाराएं आ रही थी, मैंने उसका परीक्षण किया, उनको चेक किया, हम Indian Ocean का एक हिस्सा बन चुके, Indian Ocean के अंदर तैर रहे थे हम। About 2 p.m. 2 बजे I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। और मैं लैरी के डेक पे जाके, मतलब जहाँ पे स्टीर किया जा रहा है, चलाया जा रहा है उस नाव को, वहाँ पे मैंने लैरी को बोला 185 डिग्री मोड़ो इसको। इफ़ यू आर लकी, यदि हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो मैंने क्या बोला, यदि हम भाग्यशाली हुए तो लगभग शाम 5 बजे तक हम आईलैंड को ढूंढ लेंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, मतलब भरे हुए दिल के साथ, भारी हृदय के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, मैं नीचे गया और अचानक से मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 p.m. जब मैं उठा 6 बज चुके थे एंड ग्रोइंग डार्क और अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आईलैंड, और मुझे पक्का पता था कि मुझे नींद आ गई, हमने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब हम आईलैंड तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि एक एक सेकेंड समुंदर में संघर्ष कर रहा था वो, इसी कारण आगे बढ़ रहे थे। अगर वो एक मिनट तक भी नाव को संघर्ष में ना लाता, कोशिश ना करता, तो शायद वो डूब जाते। तो उसने क्या बोला कि मैं तो सो गया, संघर्ष मैंने छोड़ दिया, शायद हम आइलैंड मिस कर दिया हमने, कि हमारा अंत निश्चित है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, जितनी यात्रा हमारी रह चुकी थी, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और हम जो वापस पीछे से हवाएं आ रही है हम उसका मुकाबला करके वापस भी तो नहीं जा सकते। एट दैट मोमेंट ए ट्राउजर्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कैन आई हैव ए हग, जनाथन आस्क्ड, शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, तो जनाथन मेरे पास आया, एक मेरे को टाउसल्ड हेड क्या होता है, बड़े बड़े बालों वाला कोई सिर दिखा मेरे पास, और कौन है, जनाथन है, कहता है क्या मैं आपको लिपट सकता हूँ, चिपक सकता हूँ, हक कर सकता हूँ आपको, जनाथन बोला, और उसके पीछे बिल्कुल सू बैठी थी। वाई आई एम गेटिंग ए हक नाउ आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मेरे को एक हक क्यों किया जा रहा है, मेरे को क्यों लिपट रहे हो सारे, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, फिर बच्चों ने क्या बोला, बिकॉज आप पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ पिता हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक सबसे अच्छे कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने जवाब दिया, नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड, कहता नहीं जॉन मैं डरा हुआ हूँ, और आज मैं कोई सर्वश्रेष्ठ पिता नहीं हूँ, कोई सर्वश्रेष्ठ कैप्टन नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी सैड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एक खुशनुमा आवाज़ में शू बोली, क्यों नहीं आप हो अवश्य हो, यू फाउंड आइसलैंड, वट आई शाउटेड, उन्होंने बोला कि आपने आइसलैंड खोज लिया है, टापू खोज लिया है, व्हाट आई शाउटेड, मैं शाउट हो गया, चिल्लाया मैं, मैंने शाउट किया, क्या इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉर्स रे कॉर्स, मतलब वो एक साथ बोले कि बिल्कुल हमारे सामने वो देखो वो टापू रहा, एज ए बैटल शिप क्या था, युद्ध पोत, एक युद्ध पोत के जितना बड़ा, देखिए एक क्या है टापू है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और मैंने ध्यान से देखा तो मुझे क्या दिखा, आइल एम्स्टर्डम दिखा वहाँ पे। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक क्या था, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी जो चट्टान थी, एक चट्टान बन चुकी थी, उसका एक टुकड़ा था और जो टापू का रूप ले चुका था अब, विद लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड, बिल्कुल कम वनस्पति के साथ, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, वो संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। तो आप देखो उनके सांस में सांस पड़ चुके हैं, खुश हो चुके हैं सारे, एक दूसरे से हग कर रहे हैं, लिपट रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सक्सेस उनको मिल गई है, वो अपने मिशन में सक्सेस हो चुके हैं, टापू पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचा ली है। अब देखिए आगे क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से हम देखते हैं इसको। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल
28 inhabitant होते निवासी of the island cheered as the helped as ashore. इन्हेबिटेंट का निवासी पहले से 28 लोग उस वहाँ पर रह रहे थे और उन्होंने हमारा बहुत ही खुशनुमा दिल से स्वागत किया. विद लैंड अंडर माई फीट अगैन, और मेरे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन आ चुकी थी, पहले तो पानी ही पानी था. माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचारों में अब लैरी और हर्बी ही चल रहे थे. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, और मेरे मन के अंदर मतलब इतनी ज़्यादा तनाव था, स्ट्रेस था, वो सारा खत्म हो चुका और मैं चीयरफुल खुश हो चुका था. एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, मतलब क्रूशियल कितने खतरनाक घंटों में भी, मतलब इतने जो सीरियस घंटे थे उनके कारण भी वो जो मैरी है उसकी वाइफ है वो व्हील पे बैठी रही और व्हील को चलाती रही. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 years old गर्ल, फिर मैंने एक सोचा कि सिर्फ 7 वर्ष की जो एक लड़की है, बच्ची है, हु डिड नॉट वेंट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जिसके सिर में इतनी भयानक इंजरी हो चुकी है, उसने भी चिंता नहीं की, बताया नहीं हमें कि कहीं हमें चिंता ना हो जाए. विच सब्सिक्वेंटली लुक टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, मतलब वो खोपड़ी और स्किन के अंदर जो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही थी, थक्के जम रहे थे रक्त को, उसको निकालने के लिए कम से कम उसके लगातार 6 ऑपरेशन करने पड़े. एंड अ 6 years old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और फिर मैंने देखा मेरे सामने एक 6 साल का बच्चा बैठा हुआ था जो कभी भी मरने से नहीं डरा, इतना संघर्ष वाला समय भी निकाल के आया. तो यहाँ पे देखिए पूरा परिवार कितना खुश है, कितना बड़ा उन्होंने मुकाबला किया संघर्ष से, कितना संघर्ष पूर्ण रहा उनका जो रास्ता था, और लास्ट में वो टापू पर पहुँच चुके हैं, बहुत खुश है पूरा परिवार. तो वास्तव में उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. तो स्टूडेंट्स अपना ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या कोई करेंगे नेक्स्ट लेसन. तब तक गुड बाय.